Good morning, students. Hope you all have done your test yesterday. How was the test? Easy? Okay, let's move on to our syllabus which we are doing. What we are doing? We are doing our chapter 7, which is Greenland. And we have discussed about the vegetation and the wildlife in Greenland. And today we are going to discuss about the economy and life of the people of Greenland. So, Bitter, let's read from your book directly. So, Bitter, let's start the topic economy. एज वी ऑल नो कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के चारों तरफ क्या है, हम सबको पता है कि ग्रीनलैंड के चारों तरफ पानी है. सो द मेन, और जो वेजिटेशन है वो वहां पे बहुत ही कम है. सो जो मेन ऑक्यूपेशन होगा लोगों का, जो डिपेंडेंसी होगी, वो किस पे होगी? ऑन फिशिंग. द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम कम्स फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री. यानी कि जो कंट्री की इनकम है, कंट्री की जितनी भी इनकम है वो कहां से आती है? फिशिंग इंडस्ट्री से. मतलब जो वहां पे इंडस्ट्री है जो क्या करती है, फिशिंग करती है. फ्रोजन कैंड फूड एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश आर आल्सो एक्सपोर्टेड. एक्सपोर्ट हमको पता है जब हम किसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल पर्पस से बेचते हैं. फ्रोजन कैंड फूड यानी कि ऐसा फूड जो फ्रोजन है और कैन के अंदर आता है. एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश मतलब ड्राइड, मतलब ड्राई फॉर्म में, और स्मोक्ड यू कैन से हाफ कुक्ड या कुछ ऐसा, जिससे फिश खराब ना हो, तो वो एक्सपोर्ट की जाती हैं. एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एज वी नो द वेजिटेशन इज नॉट गुड देयर. सो जो एग्रीकल्चर है वो बहुत स्मॉल परसेंटेज, मतलब बहुत ही कम लोग वहां पे करते हैं. वो कैसे कर पाते हैं? वहां पे हर्ब्स होते हैं ना बेटे, तो वो कर सकते हैं. हर्ब्स को तो दे कैन इजीली सेल. दिस इज ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन विच डिड नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. और क्यों स्मॉल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन करती है? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो ऐसा है कि वो सपोर्ट नहीं करता किसको, क्रॉप्स की ग्रोथ को. सो दैट वॉज इकोनॉमी. इकोनॉमी वॉज ए वेरी इजी. मेजर जो है, मेजर जो डिपेंडेंसी है, दैट इज ऑन फिशिंग. और उसके अलावा जो दूसरी चीज वहां पर होती है, दैट इज एग्रीकल्चर. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लाइफ ऑफ द पीपल. एज आई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो लाइफ ऑफ द पीपल होगी वो कैसी होगी, वो अच्छी नहीं होगी, टफ लाइफ होगी. क्यों? चलो लेट्स रीड. द नेटिव और द ओरिजिनल. नेटिव मीन्स जो वहां के रहने वाले लोग हैं, निवासी हिंदी में. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स भी मैंने लिखवाया था निवासी. द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड इन्यूट्स. इन्यूट्स बोलते हैं उनको जो वहां पे, जो वहां के ओरिजिनल है, जो मतलब स्टार्टिंग से वहां पर रह रहे हैं. दे यूज टू लिव इन स्नो हाउसेज कॉल्ड इग्लूज. इग्लूज हम सबको पता है कैसा होता है. दिस इज द इग्लू, हाउ इट लुक लाइक्स. सो जो वो लोग थे वो कहाँ रहते थे? इग्लू में. इग्लू क्या होता था? डॉम शेप्ड. डॉम शेप्ड मीन्स ऊपर से सेमी सर्कल टाइप शेप विथ द सिंगल ओपनिंग. इग्लू होता था डोम शेप. तो दिस इज डोम शेप एंड विद द सिंगल ओपनिंग. उसकी सिंगल ही ओपनिंग होती थी, मतलब देयर इज नो अदर डोर हियर. इन समर्स दे लिव इन द टेंट मेड अप ऑफ एनिमल स्किन. समर्स में वो किस पे रहते थे? टेंट्स में रहते थे. क्यों? इग्लूस तो मेल्ट हो जाएंगे ना बेटे, आइस विल गेट मेल्ट. दीज टेंट्स आर कॉल्ड टोपिग्स. और इन जो टेंट्स में, जिसको एनिमल स्किन से बनाया जाता था, जिसमें वो रहते थे, उनको क्या बोलते थे? टोपिग्स. द साउथ वेस्टर्न कोर्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट एंड देयर फॉर द मोस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ द कंट्री. पॉपुलस मीन्स जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है. सो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है. गर्मी मतलब हमारे जैसी गर्मी नहीं कि पसीने टपक रहे हैं. गर्मी मतलब वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेटर है. तो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो वहीं पे ही रहें. सो द नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज हार्पून्स टू हंट सील्स, वॉलरसेस एंड व्हेल्स. जो लोग हैं वो अब क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं. आई टोल्ड यू कि खाते है क्या है? सी फूड ही खाएंगे ना. तो वहां पे जो लोग हैं वो कैसे किल करते हैं, मारते कैसे हैं? हार्पून्स से. हार्पून्स हमने देखा ही हुआ है, मूवीज में भी दिखाते हैं. एक लंबी सी स्टिक होती है ऐसे, और उसके आगे एक एरो बना होता है, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज कॉल्ड हार्पून्स. तो वो हार्पून्स से किल करते हैं उनको. दे ऑल्सो कैच फिश. वो फिश भी पकड़ते हैं.
फिश फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट. उनकी डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही क्या है? फिश. इट इज एक्सपोर्टेड एज वेल, और जो फिश है वो एक्सपोर्ट भी की जाती है. अब दे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट होता है टू ब्रिंग इन साइड द कंट्री. दूसरी कंट्री से कोई चीज आपको परचेज करनी है फॉर योर यूज. दे इम्पोर्ट अ नंबर ऑफ अदर फूड आइटम्स ऑल्सो. अब सारा टाइम सी फूड पे तो डिपेंड नहीं रह सकते, इसके अलावा भी उनको कुछ खाने को चाहिए, सो वो उसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं. एज ग्रीनलैंड इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस, पीपल वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर, ऑफ कोर्स, टू विच हुड्स आर अटैच. हुडीज होती है ना जो हमारी स्वेटशर्ट्स के पीछे लगी होती हैं, तो ऐसे ही वो लोग कपड़े पहनते हैं जो फर के बने होते हैं सबसे पहली चीज, और उनमें क्या होती है, हुडी अटैच होती है. दे कीप देयर हैंड्स कवर्ड विद मिट्टन्स, वो हाथ में ग्लव्स या मिट्टन्स पहन के रखते हैं. एंड दे वियर लार्ज बूट्स मेड अप ऑफ सील स्किन, और लंबे लंबे बूट्स पहनते हैं. क्यों? क्योंकि उनको बर्फ में चलना है ना, अगर छोटे बूट्स पहनेंगे तो बर्फ में नहीं धस जाएंगे. या द सूट्स यूज कायाक्स एंड यूमेक्स टू ट्रेवल टू ऑन वाटर बॉडीज. जो अभी तो बड़ी बड़ी शिप्स आती है ना, लेकिन जब स्टार्टिंग में वो जो होते थे ना, जो चप्पू से चलती थी किश्तियां छोटी छोटी, उनको क्या बोलते थे, कायाक्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कायाक्स एंड यूमेक्स. स्लेजेस आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेस विच रिसीव्स अ लॉट ऑफ स्नोफॉल. जहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है वहां पे क्या चलाते हैं, स्लेजेस. और स्लेजेस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ. इफ यू वॉन्ट टू सी, सी दिस इज अ स्लेज दैट इज यूज वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ रेन, स्नोफॉल सॉरी. द लाइफ ऑफ पीपल, लेकिन क्या अभी तक ऐसी ही जिंदगी चल रही है उनकी? नो, द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ ग्रीनलैंड इज चेंज्ड ओवर द ईयर, चेंज हो चुकी है. Many of them works in mines and oil fields. अब वहां पे mines start हो चुकी हैं, oil fields start हो चुके हैं, तो people have started mining. The people live in permanent houses. अब igloos नहीं होते वहां पे, होते हैं कुछ ही जगहों पर. They use rifles. अब harpoons नहीं use करते हैं वो, उनके पास pistols होती हैं, rifles होती हैं, उससे hunting करते हैं. Turn the page बेटे. So now they use rifles for hunting and motor boats for fishing. Many people have migrated. What is the meaning of migrate? मैं बता चुकी हूँ already that move to other place. Many people have migrated to towns for better educational facilities and medical treatment. लोगों ने change कर लिया है. Now instead of living in igloos, they are living in permanent houses. Instead of living that life with no education facility and all, what they are preferring? They are preferring to migrate to town so that they can have educational facilities and medical treatment as well. Traveling outside Greenland is now easier. पहले traveling बहुत मुश्किल था. क्यों? क्योंकि Greenland में connectivity ही नहीं थी. अब Greenland में connectivity easy होती जा रही है. क्यों? क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं. सी, ट्रैवलिंग आउटसाइड ग्रीनलैंड इज नाउ इजियर एज सम प्लेसेस आर कनेक्टेड टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बाय एयर. अब क्या हो गया है, वहां पे एयरपोर्ट्स बन गए हैं, सो पीपल, सो ग्रीनलैंड इज नाउ कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज बाय एयर ऑल्सो. द कैपिटल सिटी नक, प्रीवियसली नोन एज गोथाब, इज द मॉडर्न सिटी. वो मॉडर्न सिटी है एंड इट इज द इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग फिशेज. और बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है क्या करने के लिए, फिशेज को प्रोसेस करने के लिए. देखो, अगर फिश को पकड़ा और ऐसे ही एक पॉलिथिन में या जिसमें भी पैक करके भेजेंगे तो वो तो सड़ जाएंगी ना बॉडीज उनकी. सो बिफोर एक्सपोर्टिंग द फिशेज हैज टू बी यू नो गेट सम प्रोसेस्ड सो दैट वो सड़े नहीं. अब सोचो, रोहतक के आसपास तो कहीं पर भी पानी नहीं है, बट स्टिल वी गेट फिशेज हियर, ऑल टाइप ऑफ फिशेज यू कैन हैव फ्रॉम रोहतक. सो अब ये फिशेज जहां से भी ट्रैवल करके यहां पर आई हैं, तो अगर इनको ऐसे ही मार के भेज देते तो ये मर नहीं जाती, ओ सड़ नहीं जाती. सो द फिशेज आर प्रीवियसली प्रोसेस्ड एंड देन सेंट टू द अदर प्लेसेस. सो इन नक, बिकॉज इट इज अ मॉडर्न सिटी, इज हैज सम मशीन्स वेयर द फिशेज आर प्रोसेस्ड. सो दैट वॉज आवर चैप्टर नंबर 7. Read the chapter thoroughly and bye.